गरतांग गली जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये 150 साल पुराना ऐतिहासिक ब्रिज जो कि 1962 के वॉर के बाद ये कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। अभी 59 ईयर के बाद इसको टूरिस्ट के लिए खोला गया है जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का मार्बल है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ ब्रिज काफ़ी आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। तो आइए आपको ले चलता हूँ गरतांग गली के इस खूबसूरत सफ़र में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अभी सुबह के 10 बजे हैं, गंगोत्री टेंपल से हम वापस आके ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और ये ब्रिज है। ब्रिज से पहले यहाँ रास्ता जाता है गरतांग गली जो कि काफ़ी फेमस है। ये पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड ओल्ड तिब्बतन रूट करीब 150 साल पुराना। ₹150 पर पर्सन 750। कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर एक साइड। अभी गरतांग गली का ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ट्रैक अंदर है जो मेन रोड है। यहाँ पे एंट्री करानी होती है जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे खुलता है और 3 बजे लास्ट एंट्री जो टाइमिंग है वो है। और ₹150 पर पर्सन इसकी फ़ीस है। तो एंट्री वगैरह कराने के बाद अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट रहता है। बाकी व्यू बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के, देखते हैं आगे। ये मेन ब्रिज है, इस ब्रिज के पास है गरतांग गली, काफ़ी पुराना बोर्ड है। रोड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब पैथेटिक सा, काफ़ी रिस्की मतलब इजी नहीं है। और नीचे भागीरथी रिवर फ्लो करती हुई। अभी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के ट्रैक पे हम 100 मीटर आए होंगे। रास्ता ठीक है, कच्चा रास्ता है, बाकी चढ़ाई कितनी है वो देखते हैं। अभी तक तो बस यहाँ से डाउन ही डाउन है इसलिए आने में प्रॉब्लम तो होने वाली है, जाने में देखते हैं। ये रूट पूरा कच्चा ही बना हुआ है। करीब 200 मीटर आने के बाद अब खड़ी चढ़ाई आई है, देखो अब टफ लाख रास्ता लग गया। करीब 1 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद अब थोड़ा ढलान आया हुआ है, पर यहाँ तक आते आते बुरी हालत हो गई है। आगे देखते हैं क्या रहेगा। पर व्यू बहुत ही खूब। गरतांग गली के मिड पॉइंट पर पहुँचे हैं और ठीक मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये ब्रिज। हेलो गाइस, जहाँ से ये यहाँ से ट्रैक करके हम आए हैं और ये आगे अभी करीब 1.5 किलोमीटर जाना है। और व्यू जो है वैली का बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको वैली का व्यू दिखाता हूँ। ये ट्रैक जो ऊपर को जा रहा है और ये वैली का व्यू और ये ब्रिज जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक करीब आ गए हैं। ब्लू शिप कॉरिडोर अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच रहे हैं गरतांग गली। 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं गरतांग गली। ये बोर्ड आ गया और सीढ़ियां यहां से शुरू हैं। अभी हम आगे ये इसकी इंस्ट्रक्शन सीढ़ी में 10 लोग जा सकते हैं, उछल कूद करना मना है। तो आइए आपको ले चलते हैं
150 साल पुराने आइकॉनिक रूट जो कि ट्रेड रूट होता था इंडिया और तिब्बत के, जो कि अभी बंद था 1962 के बाद और अभी बनाया इसको, तो अभी हम उस पे जा रहे हैं। ये इसको रेनोवेट करके आप देख सकते हैं, और नीचे रिवर का व्यू कितना प्यारा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा व्यू आप देख सकते हैं, और इसको बनाया पूरा पत्थरों को काट के बनाया हुआ है, नीचे सपोर्ट देके, मतलब एक अलग टाइप का थ्रिल आपको देखने को मिल सकता है। क्यों यहीं तक ही है बस? और ये इसका एंड पॉइंट, यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है फिलहाल। सुबह 11 बजे हमने गिरतांग गली का ट्रैक स्टार्ट किया था, ये पीछे बोर्ड है, और यहाँ से स्टार्ट किया था, और अभी हमने करीब हो रहे हैं 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे हमने गिरतांग गली का ट्रैक जो कि 2 किलोमीटर का वन साइड का ट्रैक है वो कंप्लीट कर लिया। ट्रैक काफ़ी अच्छा था, और गिरतांग गली जो वुडन ब्रिज है वो करीब 300 मीटर के आसपास का है, और टाइमिंग वही आपको बताई दी है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक एंट्री होती है, और ट्रैक जो है वो अप डाउन है, पर थोड़ा थकान तो होती है, बाकी ठीक है, नॉर्मल है, आप जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल गिरतांग गली से हम निकल के अब जाने लगे हैं यमुनोत्री के लिए। गंगोत्री सुबह हम करके आए हैं दर्शन करके, यमुनोत्री यहाँ से वैसे काफ़ी दूर है, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ स्टे करते हैं। कोशिश तो यही रहेगी यमुनोत्री स्टे करें और कल वहाँ पे दर्शन करें। चलो मिलते हैं आगे।